हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा अपनी सेम सीरीज़ के साथ, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि GST के जितने भी नए फॉर्म्स आए हुए हैं उसकी मैं पूरी एक कंटिन्यूस सीरीज़ बनाऊँगा। उसी सीरीज़ का ही ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि GST फॉर्म्स किसके किसके लिए अप्लीकेबल है, क्या क्या कौन लोग उसको भर सकते हैं। वो फॉर्म की अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो लिंक आपको इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देख के आइए। तो फिर आपको ये सेकंड सीरीज मींस सेकंड पार्ट आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है कि दो टाइप के टैक्स पेयर आपके होंगे, एक स्मॉल टैक्स पेयर होगा, एक लार्ज टैक्स पेयर होगा। तो उन्हीं के बेस पे GST ने दो स्कीम भी बनाई हुई है जिसमें मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ स्कीम की। एक तो मंथली स्कीम है और एक क्वार्टरली स्कीम है। मीन्स आप रिटर्न जब भरते हो तो रिटर्न आप किस तरह से भर सकते हो, मंथली ऑप्ट कर सकते हो या क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हो। मंथली ऑप्ट कौन कर सकता है, क्वार्टरली ऑप्ट कौन कर सकता है। तो आज जो बात मैं बताऊंगा, मंथली में आप टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है, मींस मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है वो लार्ज टैक्स पेयर में आएंगे, टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से कम है वो स्मॉल टैक्स पेयर में आएंगे। तो अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम भी है बट वो ऑप्ट करना चाहता है मैं मंथली रिटर्न भरूंगा, तो वो मंथली के लिए ऑप्ट कर सकता है। मंथली स्कीम में आपको क्या करना होगा, जैसे रेगुलर अभी तक आप करते आ रहे हैं कि कुछ लोग की मंथली रिटर्न जाती है GSTR 1 की और GSTR 3 भी, तो मंथली होती ही है। सो GSTR 1 का मेन मुद्दा है कि GSTR 1 मंथली आपकी जाएगी या नहीं जाएगी, पहले अभी जैसे होती जा रही है, तो आप मंथली ऑप्ट कर दो, मंथली रेगुलर जा रही है। अगर आप क्वार्टरली ऑप्ट कर लेते हो तो क्वार्टर में आप रिटर्न भरते हैं। बेसिकली वही बात है कि मंथली अगर आप जो अब नए फॉर्म्स जो आ रहे हैं उसमें आप मंथली ऑप्ट कैसे कर पाएंगे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर पर्सन कोई अपने मतलब जिसे बोल सकते हैं वॉलंटरी अपने इच्छा से वो चाहे कि मैं मंथली रिटर्न भरूंगा, तो वो इसमें आ सकता है। दूसरी बात, क्वार्टरली स्कीम में आपको क्या बताया गया, क्वार्टरली स्कीम में आपके 3 फॉर्म्स होंगे, 3 टाइप के फॉर्म होंगे, सहज, सुगम और क्वार्टरली नॉर्मल रिटर्न। मीन्स अगर आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें फॉर्म अप में आप अपनी सेल्स को दिखा सकते हैं। पहला जो सहज फॉर्म है, सहज फॉर्म अगर आप केवल नॉर्मल मींस लोकल एरिया में सेलिंग कर रहे हो अनरजिस्टर्ड डीलर्स को, मींस जो GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है ही नहीं, B2C सप्लाई अगर आप जिसे नॉर्मल वे में बोलते हैं अभी, तो उसको अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको सहज फॉर्म से आपका काम चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा और भी कुछ नहीं देना होगा। आप हर मंथ सहज फॉर्म में अपनी B2C के डिटेल्स डाल दीजिए स्टेट वाइज, जैसे आप डालते आ रहे हैं। पहले अभी हम देखें तो GSTR 1 में हम स्टेट वाइज B2C के अगर कॉलम में जाते हैं तो स्टेट वाइज हम उसका टोटल करते हैं और उस पर जितना टैक्स बन रहा होता है वो उसमें दिखा देते हैं, ठीक है। सुगम की बात करें तो सुगम में B2C और B2B आपका दोनों आ जाएगा, मतलब या तो ऐसा हो कि पर्सन केवल B2B की सप्लाई कर रहा हो तो उसे सुगम भरना होगा, और एक तरफ ये भी हो सकता है कि उसके साथ साथ वो B2C की भी सप्लाई करता है। बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड डीलर होते हैं जो मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड भी डील करते हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड को भी सप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में आपको सुगम फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं है कि आप B2B कर रहे हैं B2C नहीं कर रहे हैं तो आप सुगम नहीं भर पाएंगे, आप B2B कर रहे हैं तो सुगम भर लीजिए, अगर आप B2B के साथ B2C भी कर रहे हैं मींस अनरजिस्टर्ड डीलर को तो आपके लिए सुगम फॉर्म भी अप्लीकेबल है। तीसरी बात करते हैं क्वार्टरली स्कीम में ही क्वार्टरली फॉर्म के नाम से, इन दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारी स्कीम है जो GST लेकर के आ रहा है, एक मंथली स्कीम है एक क्वार्टरली स्कीम है, कि आप क्वार्टरली रिटर्न कैसे भरेंगे। ये फॉर्म का नाम है क्वार्टरली फॉर्म, सुगम फॉर्म, सहज फॉर्म, ये फॉर्म का नाम है। क्वार्टरली फॉर्म में कोई भी सेल्स अदर, जैसे B2B और B2C को छोड़ के कोई अदर सेल क्या हो सकती है, आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है या फिर एक्सपोर्ट के अलावा आपका SEZ में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस टाइप की सेल्स जितनी भी हैं वो आपको क्वार्टरली रिटर्न में दिखानी होगी। मीन्स क्वार्टरली फॉर्म का जो नया आ रहा है GST में उसमें आपको क्वार्टरली सेल्स अपनी दिखानी होगी। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ स्कीम की बात। कंपलसरी रिटर्न आपकी क्या होनी चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप क्वार्टरली के लिए ऑप्ट कर ही नहीं सकते। मींस मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मंथली
टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मंथली ही भरना है। ये नहीं कि आप अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपको ये कभी भी नहीं मिल पाएगा अभी तक जैसा अमेंडमेंट जैसा आ रहा है। मे बी आगे इन फ्यूचर कुछ भी गवर्नमेंट ला सकती है, बट अभी तक के हिसाब से कंपल्सरी रिटर्न है कि टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मैंडेटरी है मंथली रिटर्न ही आपको पे करना है। मींस मंथली GSTR 1 और GSTR 3 भी जो फॉर्म्स रिप्लेस होंगे आगे चल के NXR 1 और RET 01 के रिप्लेस में, ठीक उस हिसाब से कंपल्सरी रिटर्न आपकी जाएगी। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको क्यों देना होगा? डिक्लेरेशन फॉर्म आपका एक तरह से आप कहिए पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है। पेमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म इन द सेंस कि आप क्वार्टरली ऑप्ट आपने कर लिया है, आप B2B की सप्लाई कर रहे हैं या फिर B2C की सप्लाई कर रहे हैं, जो भी बोल लीजिए, सहज या सुगम फॉर्म या क्वार्टरली में से कोई सा भी फॉर्म आप भर रहे हैं, तो हमें जैसा कि आपको भी पता होगा, मैं भी आपको बता भी देता हूँ कि क्वार्टरली का मतलब ये होता है, क्वार्टरली रिटर्न जाने का मतलब कि स्टार्टिंग के क्वार्टर के 2 महीने छोड़ के हम लास्ट मंथ के क्वार्टर के लास्ट मंथ में हम रिटर्न अपनी फिल करते हैं। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लें क्वार्टर फर्स्ट अप्रैल मई जून का, तो अप्रैल और मई में हम फॉर्म नहीं भरेंगे, जून में केवल हमें रिटर्न दिखानी होगी। तो उस केस में हमें पेमेंट जो होगी वो हर एक मंथ में डिक्लेरेशन के साथ हमें डिक्लेरेशन एक फॉर्म अटैच करना होगा साथ में। मींस जब हम अपनी RET 1 मंथली जब भर रहे होंगे तो हमें एक पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा सेल्स के लिए कि हम पेमेंट जो है आपका क्वार्टर के एंड पे हम सारा कुछ कर देंगे और हमारा जो है ये हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म है, मैं ही इसका सोलली ओनर हूँ। मींस अगर आपके कोई भी फॉर्म है या फिर जो भी है, मींस इंडिविजुअल से आप सप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह से भी जिस भी वे मैटर नहीं करता है, वो आगे डिस्क्रिप्शन में कैसा होगा वो बात की बात है, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट डिक्लेरेशन इन द सेंस कि आपका ही ये सब कुछ है, आप ही इसके मालिक हैं और ये वेरीफाई आप कर रहे हैं कि आगे चल के क्वार्टर के जब मैं पेमेंट करूँगा तो ये मेरे बिहाफ पे ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से कम है, देन पेयर हैज़ टू ऑप्ट फॉर चूज एनी फॉर्म सहज सुगम क्वार्टरली एज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे B2C, B2B, B2C और एक्सपोर्ट के बेस पे आप तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस टैक्स पेयर हैज़ टू सबमिट पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर स्टार्टिंग 2 मंथ्स ऑफ क्वार्टर। मीन्स पहले 2 मंथ्स में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा स्टार्टिंग में। आप मीन्स अभी जो GSTR 1 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो रिप्लेस जब होगा आगे तो उसका NXR 1 आएगा। तो NXR 1 तो आप क्वार्टरली दिखाएंगे, मीन्स आप लास्ट मंथ में, क्वार्टर के लास्ट मंथ यानी जून में दिखाएंगे। तो अप्रैल और मई में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा कि हमारी जो सेल है वो इतने के आसपास है या फिर इतना क्राइटेरिया हो सकता है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म का वे क्या होगा, कैसे प्रोसीजर आप भरेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। GSTR 3B इन द नेम ऑफ RET 1 एंड PMT 08 फॉर स्मॉल टैक्स पेयर विल बी मंथली फॉर ऑल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि GSTR 3B, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही मंथली करते चले आ रहे हैं, तो वो हमेशा आगे भी आपकी मंथली ही रहेगी, भले ही उसका नेम चेंज हो जाएगा। वो RET 01 हो जाएगा लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए वो हो जाएगी PMT 08। फॉर्म का नेम चेंज हो रहा है, लेकिन जो अभी तक पहले होता आ रहा था 20th को वो भरी जाती थी नेक्स्ट मंथ के, और उसकी हर मंथ में रिटर्न जानी होती है, तो हर मंथ में ही वो रिटर्न जाएगी। रादर आगे कोई चेंज आता है तो वो बात की बात है, बट अभी तक GSTR 3B जो है वो चेंज होगा RET 01 में और PMT 08 में, इन दोनों के हिसाब से वो मंथली ही रिटर्न जाएगी। ये थी आपकी कुछ डिटेल GST के फॉर्म से रिलेटेड। अभी जो GST का फॉर्म मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने टैक्स पेयर्स के रिलेटेड बातें की हैं कि टैक्स पेयर कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से टैक्स पेयर क्या ऑप्ट कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देखें और साथ में इस वीडियो को भी देखें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप मंथली ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आप क्वार्टरली ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है मंथली में और क्वार्टरली में, डिक्लेरेशन फॉर्म आप कैसे दे सकते हैं। इसके बाद की जो सीरीज़ की वीडियो आने वाली है उसमें कुछ वीडियोस में मैं GST फॉर्म्स को, मतलब इसकी पूरी डिटेल जितनी भी है अभी आगे जो बच रही है, जैसे फॉर्म्स में क्या क्या है, किस कॉलम में आपको क्या भरना होगा, और डिक्लेरेशन फॉर्म मेन जो इसमें नया आया हुआ है वो डिक्लेरेशन फॉर्म। आप फॉर्म तो लगभग मैंने जो देखा था वो पहले से मिलते जुलते हैं थोड़े बहुत, बट डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें थोड़ा चेंज है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या भरना होगा वो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा।
आज के लिए बस जीएसटी फॉर्म से रिलेटेड इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो टैक्स फॉर वेल्थ चैनल है वो प्ले स्टोर ऐप पे भी अवेलेबल है, इसका टैक्स फॉर वेल्थ के नाम से ऐप अवेलेबल है। अमेजोन फायर टीवी पे हम अवेलेबल हैं, आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। बाकी प्रीवियसली जितनी भी वीडियोज़ आपको जीएसटी से रिलेटेड, आईटीआर या फिर आरओसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है आपको सेम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।